अभी जो मेरा अंबरनाथ में एक साइट फाइनल होने वाला है, अभी तो उसका जैसे पेंटिंग का थोड़ा काम है, 2-4 दिन का, और भी वो फाइनल होने वाली है। तो वो साइट का हम लोग जो भी प्लाई यूज किए हैं वो अपना BWR यूज किए हैं, अच्छी क्वालिटी का, और अपना प्लाई में जो यूज किए हैं वाटरप्रूफ में हॉर्स गोल्ड है, वहाँ पर ये चेक कर सकते हो, तो अच्छी ब्रांडेड है, अच्छी क्वालिटी है। और टाइल में हम लोग जो यूज किए हैं वो RAK का यूज किए हैं, फ्लोरिंग के लिए अपना 3264 का है और वॉल के लिए 2-4 का है। तो बहुत ही मतलब खूबसूरत उसमें दिखता है, और लुक वाइज में 2x4 ही ये चल रहा है वॉल के लिए। छोटा टाइल लगाने जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें जो झिसी रहता है, उसकी जो शानदार रहती है, जॉइंटिंग रहती है, वो ज़्यादा हो जाती है छोटी टाइल में। और बड़ी टाइल आप जब यूज करते हैं तो उसमें क्या रहता है कि हर एक चीज़ का आपका जो इफेक्टेड रहता है वो बड़ी बड़ी चीज़ में होते हैं। अभी समझिए 8 फिट की हमको लगानी है टाइल 8x2 में, तो वो जो इंक्लूडेड जो प्लेटफार्म के ऊपर जो हम लगाते हैं तो वो 2 टाइल में हो जाती है, तो एक ही शानदार अपने को दिखता है और अच्छी क्वालिटी दिखता है। तो वहाँ पे ऐसी होनी चाहिए। और बेस्ट क्वालिटी ये है कि 3264 का लगाते हैं तो बहुत बड़ा टाइल दिखती है, उसमें भी ये है कि बड़ा टाइल दिख रहा है तो अच्छा दिख रहा है। उसमें छोटा टाइल लगाना है 2x4 का लगा रहे हैं तो और भी शानदार आएगा, और भी ग्रुपिंग आएगा, तो वो अच्छा है। और ये चीज़ कोई मेरे को ऐसा बोलता है कि कॉस्ट वाइज क्या किया जाए, कॉस्ट वाइज ऐसा नहीं होता ना कि कॉस्ट तुरंत ही निकल के मिल जाएगा आपको, क्या है हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं वो डिपेंडेंट करता है। तो आप हमारे साथ में मीटिंग रखिए, मीटिंग रखने के बाद आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हम दे रहे हैं और अदर कंपनियां क्या आपको दे रही हैं, हमारे कंपनी से क्या प्रोवाइड हो रहा है और अदर कंपनी से क्या प्रोवाइड हो रहा है। अदर कंपनी आपको दे रही है जो बास्केट दे रही है कि टेंडम दे रही है कि क्या दे रही है। अभी समझिए बास्केट आप ले रहे हैं तो बास्केट में भी तो बहुत क्वालिटी आती है ना। अभी कोई फोल्डेबल बास्केट बोलता है, कोई बोलता है कि नहीं हमको फिक्सिबल चाहिए, और काम करने वाला तो लास्ट में आपको पेमेंट के जब ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर आपको नहीं मिल रहा है कि क्या करना है, वो चीज़ कैसे आपको पेमेंट का फाइनल किया जाए। हमारा ये मेथड है कि हम आपको जो भी देंगे प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास 3D भी है, 3D में आपको दिखाएंगे कि हाँ कैसा हम 3D देने वाले हैं, कैसा आपको क्या देने वाले हैं, वो चीज़ पहले मालूम होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि हाँ आप बोल रहे हैं कॉस्ट भेज दो हमको, कोटेशन भेज दो, कोटेशन हम क्या भेजें आपको, हम बोल रहे हैं कि टेंडम देंगे, आप पूरी लिस्ट जो देखेंगे वो ग्रांड टोटल पे देखेंगे कि हमारा पेमेंट इतना लग रहा है। हम पेमेंट तो ठीक है, पेमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हमारा भी तो सुनना चाहिए आपको ना। आप सिर्फ कॉल पे बोलेंगे कि नहीं हमको सिर्फ ये भेज दो, कोटेशन भेज दो, कोटेशन में हम क्या आपको भेजें, हमारी कंपनियां हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं हमारी अलग कॉस्ट है, हम जो मटेरियल लगा रहे हैं हमारे मटेरियल अलग है, हम जो सोच रहे हैं वो अलग सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो अलग सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारा पेमेंट कम लगे, ठीक है आपका पेमेंट कम लगे वो बात की बात है, लेकिन आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी तो देखना है ना। अभी हम सोच रहे हैं कि आपकी जो लाइफ हो फर्नीचर की या इंटीरियर की, वो कम से कम आपके 10 से 12 साल 15 साल 20 साल चले। आप सोच रहे हैं कि हमको पैसा कम चाहिए, तो पैसा कम चाहिए तो सामने वाला मटेरियल में भी तो कुछ इधर उधर करेगा ना। हम जो लगाते हैं हम ब्रांडेड लगाते हैं, हम ETH लगाते हैं, बॉस लगाते हैं, गोदरेज लगाते हैं। अभी एक ही इंजिस यल इंजिस जो होती है, यल इंजिस आप स्टील में लेने जाएंगे तो उसकी कम कॉस्ट है, अभी ब्रास में ले जाएंगे तो उसकी उससे ज़्यादा है। अभी वही चीज़ हम लोग जब ये बोला जाता है सॉफ्ट क्लोज ऑटो क्लोज इंजिस है, ऑटो क्लोज इंजिस आप लेने जा रहे हैं तो उसकी अलग कॉस्ट हो जा रही है, ब्रास से भी हाई स्पीड हो जाती है उसकी, हाई रेंज की हो जाती है क्वालिटी, और पेमेंट भी हाई क्वालिटी हो जाता है। तो हर एक चीज़ का डिपेंडेंट यही है कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जब तक मीटिंग नहीं रखेंगे, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तो हम कैसे आपको बता सकते। आप सिर्फ कोटेशन हमसे लेंगे, हम कोटेशन कैसे दे सकते हैं, और कोटेशन भी हम सेंड कर दिए तो आप टोटल नहीं देखते ना कि क्या प्रोवाइड कर रहा है बंदा। सब लोग यही देखते हैं ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल कितना है, पेमेंट लास्ट मेरा कितना लगेगा,
ठीक है, ग्रैंड टोटल आप देख रहे हैं वो है ठीक है, लेकिन हमको भी आप पहले मीटिंग रखी है, मीटिंग रखने के बाद आपको जो बताया जाएगा, फिर इसके बाद आपका नहीं समझ में आ रहा ठीक है, आप अपने जो आपका सूटेबल है आप करवा सकते हैं कि कम खर्चे में तो हो जाए। लेकिन एक चीज़ आप भी ध्यान दीजिए कि आप डिवाइडेड करके पकड़ते हैं तो आपको कॉस्टिंग जो होती है वो इंक्रीज होती है, ये नहीं है कि कॉस्टिंग कम हो जाती है। हाँ, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कम होएगा, जब भी आप डिवाइडेड करके पकड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की डिफरेंस होती है, 10 से 20,000 की, इससे ज़्यादा नहीं डिफरेंस होगी। और ये चीज़ आप समझिए कि आपका जो काम डिले हो गया, काम अभी समझिए कि आप दिए हैं काम हमको 2 महीना करने के लिए, और हम प्रोवाइड करते हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं हमको 3 महीना चाहिए, और दूसरे को आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको 2 महीने में चाहिए, 2 महीने में वो कैसे बंदा करके दे देगा? वो भी करेगा तो वो भी तो कोई लेबर ही और वर्कर ही करेगा ना, क्योंकि तो काम जो करने वाला है वो तो अपने टाइम से ही करेगा। हमारा क्या है कि हम टाइम जो फिक्सिंग है उस टाइम पे हमको करके देना है, उस टाइम में नहीं दिए तो हमको भी घाटा होता है, क्योंकि तो जितने वर्कर हम लोग रखे हैं, जितने प्रोवाइड हम लोग रखे हैं, वो उसको कैसे पेमेंट होएगा, कैसे क्या करेंगे? और एक साइड फाइनल हो गया तभी तो दूसरा साइड हम पकड़ेंगे, एक साइड फाइनल ही नहीं हुआ दूसरे साइड पकड़ने चले तो हमारा भी क्रेडिट खराब होता है। वो चीज डिपेंडेंट करता है कि आप जो भी काम दे रहे हैं, अब 10-20 हज़ार बचाने के चक्कर में आपका भी टाइम जाता है ना, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि सबको कैसे मैनेज करेंगे? कल बोलेगा इलेक्ट्रिशियन मैं नहीं आया हूँ, कल वो प्लम्बर बोलेगा मैं नहीं आया हूँ, कल बोलेगा कारपेंटर कि मेरा तबीयत डाउन हो गया। तो सब चीज़ को मैनेज करने के लिए एक किसी को आप काम दीजिए, हमें या कोई किसी को भी आप काम दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिसको भी आप काम दीजिए तो एक जन को दीजिए, क्योंकि आपका टाइम फ्री होना चाहिए। आप जॉब पे जाते हैं तो आपको जॉब पे जाने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि घर पे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ आप माइंड में जाकर बैठे रहेंगे। वहाँ पे भी जॉब पे भी आप जाते हैं, आपका भी जॉब है या बिजनेस भी है, तो बिजनेस में ये चीज़ थोड़ी नहीं लाना है कि नहीं हमारा घर का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि बिजनेस बिजनेस है और जॉब जॉब है, जॉब पे भी आपको करना है तो जॉब भी आपका भी कहाँ से आएगा, तभी तो हमको देंगे ना प्रोवाइड करेंगे पेमेंट। तो हर एक चीज़ होनी चाहिए कि एक लाइन से लेवल से होनी चाहिए, और जो भी एक कोटेशन आप किसी से भी आप करवाइए उसका एक डिवाइडेड वो बनाइए और सामने वाले को मीटिंग रखिए, बिना मीटिंग का कुछ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और सामने वाला क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको खुद ही नहीं मालूम। आप ग्रैंड टोटल देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपके फर्नीचर हो या कोई भी इंटीरियर हो तो क्या वेस्ट से वेस्ट हम मटेरियल दे सकते हैं, हम अपना देखते हैं। कोई भी आर्किटेक्ट हो तो वो भी वही सोचता है कि हमारा क्या दिखने का है, हमारा रुतबा क्या है, हम कैसे दिखा रहे हैं, वो चीज़ हमारा दिखना चाहिए। आप सोचते हैं कि पेमेंट कम लगे, हम सोचते हैं कि हमारा नाम हो और आपका भी नाम हो, ऐसा नहीं, हम आपका काम करते हैं तो हमारा भी ये ख्वाहिश रहता है कि हम भी किसी को बताएं कि सर का काम किए, इतने का काम किए। इंटीरियर में 2-4 लाख की काम नहीं होती है, 1 BHK भी करने जाएं हम लोग तो कम से कम 10-12 लाख रुपया लग जाता है, फिर 2 BHK का करने जाएं तो 20-25 लाख रुपया लग जाता है, 3 BHK करने जाएं तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं है कि इतना पैसा क्यों लग रहा है, डिपेंडेंट ये लग रहा है कि आपको क्या करवा रहे हैं वो डिपेंडेंट है। हम बोल दें कि नहीं आपका इतना कोर्स जा रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके साथ में मीटिंग रखा जाएगा, मीटिंग रखने के बाद आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा वो सब चीज़ हमें करना पड़ता है। और एक दिन में मैं आपको, आप बोलेंगे मेरे को कोटेशन दे दो, मैं कोटेशन दे के क्या फायदा, जब आप गारंटी टोटल ही देखेंगे कि हाँ इतना हो रहा है, मैं कोटेशन दे के क्या करूँ? आप पेमेंट बचाने के चक्कर में, हम क्वालिटी देने के चक्कर में हैं, हम सोचते हैं कि हमारा नाम ना खराब है, आप सोचते हैं कि आपका पेमेंट ना जाए, तो दोनों चीज़ नहीं हो सकती है ना, कोई तो एक ही चीज़ हो सकती है, या तो पेमेंट लगेगी या तो क्वालिटी मिलेगी। और कोई तो ऐसा भी होता है कि काम ले लेता है, काम हो चालू हो गया सेंटर में ही बंद करके बस चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
मेरा जस्ट अभी एक साइड में कर रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट का इश्यूज हुआ था। वो क्या हुआ था, मेरा ही जो प्रॉब्लम था, वो मेरे जो काम करने वाले हैं डिजाइनर, वो थोड़ा सा कोटेशन में कहीं डिफरेंस हो गया था। क्लाइंट को बताया गया कि यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड नहीं हुआ है पेमेंट, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं था कि हम काम बंद करके जाएं। क्लाइंट से बात करना है, सर ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, क्या किया जाए। हाँ, अपना लॉस जा रहा है, वो लॉस जाने देना चाहिए, ये नहीं है कि काम छोड़ के जाना चाहिए। मैं आज तक किसी का लॉस जा रहा है, मेरे को नहीं मिलेगा वो चलेगा। हाँ, मटेरियल और लेबर लोग का मिल गया, क्लास, काम नहीं छोड़ना है। काम छोड़ेंगे तो हमारा क्रेडिट खराब होता है, और क्रेडिट हम खराब ही नहीं करना चाहते हैं। दो चार दिन क्लाइंट से बात करो, सब चीज़ बताओ, हाँ ये चीज़ ऐसा इंक्लूडेड होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ है, हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो तो क्लाइंट समझिए कि जो मटेरियल लगा है वो तो प्रोवाइड करना पड़े। हाँ, हमारा मिस्टेक है, हम सीधा बोलते हैं हम अपना प्रॉफिट नहीं लेंगे आपसे, मेरा जो भी ट्रैवल खर्चा है जो भी है वो नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा मिस्टेक है ना, वो चीज़ हम नहीं चेक किए थे, लेकिन जो मटेरियल लगा है, जो लेबर चार्जेस, वो तो चाहिए ना, तो वो करके आप करिए। और कोई भी जब भी देखेगा आपका काम कि नहीं काम उस लेवल तक हुआ है, उतना लगा है, आप उसको इंक्लूड करके दिखा दीजिए ना, उसमें क्या है। मैं तो पूरा ही मतलब सर को दिखाया, सर ऐसा ऐसा मिस्टेक हो गया, चेक कर लीजिए एक बार। मैं 3 से 4 बार पूरा दिया, यहाँ पे चीज़ है, आप चेक कर लीजिए, चेक किए सर, हो गया। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, सभी चीज़ जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें हाँ गलती होती है, तो अपना एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और मैं एक्सेप्ट बहुत अच्छे से करता हूँ, क्योंकि तो मेरा यह मानना है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट करना ही जरूरी है, वो चीज़ है। ओके, थैंक यू, जो भी है, नमस्कार।